वेलकम टू डिजिटल अध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैं क्लोरोप्लास्ट कहां शुरू कर दिया, तो आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि क्लोरोप्लास्ट ये तो नाइन्थ का टॉपिक है, तो नाइन्थ में हम लोग पढ़ा है, तो यहाँ पे क्यों पढ़ना है। तो क्लोरोप्लास्ट हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो उसके लिए ऑर्गेनेल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। पहला चीज, अगर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखिए तो पहला स्ट्रक्चर हमको माइंड में हो जाता है कि ये हमारा डबल मेम्ब्रेनस होता है। ये जो मेम्ब्रेन होता है ये पूरा का पूरा डबल मेम्ब्रेनस होगा, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होंगे, खूब ढेर सारे क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि जितने क्वाइन हम बना रहे हैं उतने ही क्वाइन आप भी बनाए, ये क्वाइन कम भी हो सकते हैं अधिक भी हो सकते हैं, एज योर विश। इसके पास खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम होते हैं जो कि 70S होते हैं, ना कि 80S होंगे। ये दिमाग पर बैठा लीजिए आप लोग, ये हमारा 70S राइबोसोम हो गया, ये हमारा डीएनए हो गया, ओके। ये जो लिक्विड प्रेजेंट होती है इसके अंदर, अब इसमें दिमाग में बैठाते हैं, लिक्विड प्रेजेंट होती है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ध्यान रखिएगा इसको मैट्रिक्स नहीं बोलते हैं, क्योंकि माइट्रोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स होता है, एम फॉर माइट्रोकॉन्ड्रिया और एन फॉर मैट्रिक्स। यहां पे जो हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये स्ट्रोमा होता है, ठीक है। अब आते हैं इस स्ट्रक्चर पे, जो मेन स्ट्रक्चर है इसको भी दिमाग में रखिएगा, स्ट्रोमा को। अब आते हैं क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर जो है, अगर ये सिंगल क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है तो इसको बोलते हैं थैलाकॉइड। अगर ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर ग्रुप में है तो इसको बोलते हैं ग्रेनम। जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया है उसको दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग, क्योंकि इसी का आगे चल करके स्ट्रक्चर इस यूज होता है। तो ये ग्रेनम हुआ, ये स्ट्रोमा हुआ और थैलाकॉइड हुआ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेसिस पे है।